हेलो दोस्तों, आज हम बैक डिजाइन करेंगे बोट नेक में। तो हमने इसका शोल्डर 6 इंच रखा और 6 इंच हमने इसका आर्म होल रखा और इसका राउंड शेप देते हमने इसके गोल कर दिया है। गोल करने के बाद हम इसे 36 इंच का बना रहे, तो 9 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच इसमें मार्जिन कर रखा और नीचे भी हमने इसमें 32 इंच की कमर है तो 8 इंच लगाया और जितना हमारा ऊपर है उतने ही हमने नीचे मार्जिन रख के इसे सीधा कर दिया दोनों लाइन को। अब हम इसमें निशान लगाएंगे गले का, तो मैंने इसमें 3.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है। 3 इंच लेने के बाद हम इसे इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम दूसरी लाइन हम 4.5 पे लेंगे, 1/2 इंच। तो इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से ले कर देंगे लाइन, तो ये डबल लाइन हो जाएगी इसमें। तो मैं इसमें डिजाइन दे रही इस तरह से, इस तरह से हमने डिजाइन इसमें दिया। अब हम इसके कौन सा हमें काटना है, हमें ये वाला काटना है और ये काटना है और ये काटना है, ये नहीं काटना है हमें। तो पहले हम शोल्डर को डाउन करेंगे इसमें, यहाँ से 1/2 इंच और इस तरह से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो पहले हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने जैसा शेप दिया है हमें वैसे ही कटिंग कर देनी है इसमें। तो हम यहाँ से इसमें जरा सा छेद कर देंगे। तो ऐसे हमने दूसरा भी करना है इस तरह से। तो यहाँ हम पहले होल कर देंगे छोटा सा।
तो इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आप कपड़े पे काटना तो बड़ी सावधानी से काटना, क्योंकि मेरे ये मुझे गलती से यहाँ से फट गया थोड़ा सा। इसी तरह हम दूसरे को भी स्टेच चपाएंगे। तो इस तरह से इसका शेप बन के आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी जो आपको अच्छे तरह से दिखाई देगा ये। इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो गई हमारे। तो ये बनाना अपने लेंथ के अनुसार कपड़े पर। बनाने के लिए आपको बड़ी सावधानी से काटना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मेरे साथ गलती से हो गया ऐसे आपके साथ ना हो। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया हमारा डिजाइन। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।